कथा प्रारंभ होते हैं। सुनो वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी, सदा करें कल्याण। सियावर राम, जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मंगल भाव्य मंगल भावी गृह सुदशरथ अजल बिहारी, दीन दयाल संभा रघुनाथ मम संकट। ब्रह्मा 21वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद। डस्ट है हवा में ना, डस्ट नहीं खुला है ना, तो मक्खी ज्यादा आती है। ये है ना चलो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, प्राचीन काल में विदर्भ देश में वेद मंत्र नामक एक ब्राह्मण विद्वान राजा पर रहता था। उसका मित्र सारस्वत नामक एक अन्य वेद पाठी ब्राह्मण था। उस समय के उपरांत वेद मित्र तथा सारस्वत के यहाँ एक एक पुत्र ने जन्म लिया। उन दोनों के नाम सामवान तथा सुमेधा हुए। वे दोनों बालक स्वभाव तथा कार्यों में एक दूसरे के समान थे। उन्होंने एक ही गुरु से विद्या पढ़ी तथा अपनी सेवा द्वारा माता पिता को प्रसन्न किया। जब वे बालक बड़े हुए तो एक दिन दोनों के माता पिता ने इस प्रकार कहा, अब तुम 16 वर्ष के हो गए हो, अतः हम तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं, परंतु विवाह के लिए धन आवश्यक होता है, इसलिए सर्वप्रथम तुम धन का संग्रह करो। हम तुम्हें धन प्राप्ति का एक उपाय बतलाते हैं, उसके अनुसार आचरण करने पर तुम्हें यथेष्ट धन की प्राप्ति होगी। यह वह उपाय यह है कि तुम दोनों यहाँ के राजा के पास जाओ और उन्हें अपनी विद्या के चमत्कार से प्रसन्न कर धन प्राप्त करो। हे नारद, माता पिता की आज्ञा स्वीकार कर वे दोनों राजा के समीप जा पहुँचे। उन्होंने अपनी विद्या की चतुरता प्रकट कर राजा से धन प्राप्त किया। जब वे घर लौटने को हुए, उस समय राजा ने उनसे कहा, हे ब्राह्मण पुत्रों, हम तुम्हें और भी अधिक धन की प्राप्ति के लिए एक उपाय बताते हैं। सुनो, उपाय यह है कि मगध देश का राजा चित्रांगद तथा उसकी रानी सीमंतनी प्रति सोमवार को व्रत धारण कर ब्राह्मणों को दान किया करती है और स्त्रियों से ही तुम्हें उन्हें भोजन कराते हैं। अतः तुम उनके यहाँ इस प्रकार जाओ कि तुम में से एक तो स्त्री का स्वरूप धारण कर ले और दूसरा उसका पति बन जाए। ऐसा करने पर तुम्हें वहाँ से धन प्राप्त हो जाए, तब फिर तुम लौटकर हमारे घर आना। हे नारद, राजा के वचन सुनकर उन ब्राह्मण पुत्रों ने अत्यंत भयभीत होकर उत्तर दिया, हे राजन, हमें ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है, अतः हम आपकी आज्ञा का पालन करने में असमर्थ हैं। कृपा करके आप हमें धर्म के विरुद्ध चलने का उपदेश मत दीजिए। हे नारद, यह सुनकर राजा ने वेद का प्रमाण देते हुए उन बालकों से कहा, हे ब्राह्मण पुत्रों, हम तुम्हें वेद की आज्ञा के अनुसार यह कहते हैं कि देवता, गुरु, माता पिता तथा राजा की आज्ञा का तिरस्कार करना उचित नहीं है। यह आज्ञा चाहे उचित हो चाहे अनुचित, उसका पालन करना सभी मनुष्यों का धर्म है। राजा की इस आज्ञा को उन दोनों ने स्वीकार कर लिया। तब सामवंत ने तो स्त्री का वेश बनाया और सुमेधा ने पति बनकर राजा का चित्रांगद के समीप जा पहुँचे। संध्या के समय शिव पूजन करने के उपरांत जब राजा रानी ने सभी ब्राह्मणों को उनकी पत्नियों से शिव पार्वती का रूप जानकर दान देना प्रारंभ किया, तब सुमेधा और सामवान भी पति पत्नी के रूप में उनके सम्मुख उपस्थित हुए। उस समय रानी सीमंतिनी ने सामवान को कृत्रिम नारी के रूप में देखकर बहुत हंसी। फिर भी राजा रानी ने उन दोनों को गौरी शंकर का स्वरूप जानकर पूजा तथा भोजन आदि कराकर बहुत दक्षिणा देने के उपरांत विदा किया। वहाँ से छुट्टी पाकर जब दोनों ब्राह्मण पुत्र अपने घर की ओर चले तो बीच में एक वन में पहुँचे। उस स्त्री रूपधारी सामवान के हृदय में ठीक ऐसे ही भाव जागृत हुए जैसे एक काम पीड़िता नारी के हृदय में होते हैं। उस अवस्था में उसने सुमेधा को संबोधित करते हुए यह कहा, देखो यह वन भोग विलास करने के लिए कैसा उपयुक्त है, जाओ हम दोनों मिलकर यहाँ मैथुन करें। सामवान की बात सुनकर सुमेधा ने यह समझा कि यह हंसी कर रहा है, अतः वह मुस्कुराता हुआ बिना कोई उत्तर दिए आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर और चलकर स्त्री रूपधारी सामवान ने फिर पहले के समान काम पीड़ित होकर उससे कहा, हे पति, इस समय कामदेव के बाणों से मैं अत्यंत दुखी हो रही हूँ, भला तुम मेरे साथ रति क्यों नहीं करते हो? जब तक तुम मेरे साथ रति नहीं करोगे, मुझसे आगे नहीं चला जाएगा, अतः तुम मेरी इच्छा को पूर्ण करो। इन शब्दों को सुनकर जब सुमेधा ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे ज्ञात हुआ कि वास्तव में सामवान एक परम सुंदरी स्त्री के रूप में बदल गया है और उसके नेत्रों से काम वासना प्रकट हो रही है। तब उसने उसे संबोधित करते हुए कहा, हे सामान, तुम वेद पाठी, ब्रह्मचारी, निष्पाप ब्राह्मण पुत्र हो, फिर भला मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? हे नारद, सुमेधा की यह वचन सुनकर सामान ने, जो कि उस समय वास्तव में पूर्ण रूप से स्त्री हो चुका था, इस प्रकार कहा, हे पति,
यदि तुम्हें विश्वास ना हो तो मेरे गुप्त अंगों को देख लो, उससे तुम्हें विदित हो जाएगा कि मैं पुरुष या पुरुष नहीं अपितु स्त्री हूँ। यह सुनकर सुविधा ने अत्यंत आश्चर्य में भर कर उसके सब अंगों की ओर दृष्टिपात किया तो यह जानते हुए देर न लगी कि वास्तव में सामान का कथन सत्य है। इस आश्चर्य को देखकर वह चकित रह गया और शिवजी का ध्यान कर धरने लगा। तभी उस स्त्री ने इस प्रकार कहा, हे युवक, मैं काम के वेग से अत्यंत पीड़ित हूँ, तुम मेरी मनोभिलाषों को पूर्ण करो। जब सुमेधा ने उत्तर दिया, हे बंधु, हम दोनों वेद पाठी ब्राह्मण पुत्र हैं, इस समय तुम अवश्य स्त्री रूप को प्राप्त हो गए हो, परंतु तुम्हें इससे मुक्ति पाने के हेतु शिव गिरजा का ध्यान धरना चाहिए। विदर्भ देश ने ऐसी धूर्तता से हमें ठग लिया है, यदि हम उसके कथनानुसार कार्य नहीं करते तो ऐसी विपत्ति कभी नहीं आती। यदि फिर भी तुम स्त्री बने रहे, मैं अपने माता पिता से आज्ञा लेकर तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में पत्नी बना लूँगा। इतना कहकर सुमेधा ने शिवजी की माया तथा रानी सीमंतनी के व्रत के प्रभाव की अपनी मन में अत्यंत प्रशंसा की। हे नारद, इस प्रकार सुमेधा ने स्त्री रूप सामवान को बहुत कुछ समझाया, परंतु काम के वशीभूत होने के कारण उसने एक भी बात नहीं मानी। उसने सुमेधा को जबरदस्ती अपने कंठ से लगा लिया। तदुपरांत वे दोनों घर पहुँचे। उस समय दोनों के पिता सब हाल देख अत्यंत क्रुद्ध हो विदर्भ नरेश के पास गए और उसे संबोधित करते हुए इस प्रकार कहने लगे, हे राजन, तुमने हमारे पुत्रों से ऐसा बुरा कर्म क्यों कराया जो इनमें से एक बालक स्त्री बन गया है? अब भला हमारे पितर किस प्रकार मुक्त हो सकेंगे? इस बालक के अतिरिक्त हमारे कुल में अन्य कोई संतान भी नहीं है। सारस्वत ब्राह्मण राजा से इस प्रकार कहकर मूर्छित तो पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब राजा ने सामान को स्त्री रूप में देखकर अपने मन में अत्यंत आश्चर्य करते हुए यह उत्तर दिया, हे ब्राह्मणों, मैं यह कभी नहीं समझता था कि तुम्हारा यह बालक वास्तव में ही स्त्री बन जाएगा। मैंने तो अधिक धन प्राप्ति के लिए ही इन्हें ऐसी युक्ति बताई थी। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिसके करने से इस बालक का स्त्री भाव दूर हो जाए। हे नारद, ब्राह्मणों ने यह सुनकर राजा से कहा, हे राजन, तुम अपने हृदय में शिवजी की भक्ति दृढ़ करो और उन्हीं से हमारे बालक को मुक्ति का उपाय पूछो। यह सुनकर राजा अपनी रानी से ही शिव गिरजा का पूजन करने लगा। उसने अनेक प्रकार के उपायों द्वारा शिव गिरजा को प्रसन्न कर लिया तथा गिरजा ने प्रकट होकर राजा से वर मांगने के लिए कहा। उस समय राजा उनकी प्रार्थना करते हुए बोला, हे भगवती, मैं यह चाहता हूँ कि सारस्वत ब्राह्मण का पुत्र जो स्त्री बन गया है वह फिर से पुरुष हो जाए। राजा की इस प्रार्थना को सुनकर भगवती गिरजा ने उत्तर दिया, हे राजन, हम अपने भक्त की किसी प्रकार अवज्ञा नहीं करना चाहती। अतः तुमसे यह कहती हैं कि तुम उस बालक का विवाह सुमेधा के साथ कर दो। इतना कहकर जब गिरजा अंतर्ध्यान हो गई तब राजा ने दोनों ब्राह्मणों को बुलाकर सब वृतांत कह सुनाया। उसे सुनकर सारस्वत ने अपने लड़के का विवाह सुमेधा के साथ कर दिया। तब वे दोनों पति पत्नी बनकर प्रेम पूर्वक विहार करने लगे। भगवती गिरजा की कृपा से सारस्वत ब्राह्मण को एक और पुत्र की प्राप्ति हुई। उसकी महिमा का यह प्रत्यक्ष चमत्कार मैंने तुम्हें सुनाया है। इस चरित्र को जो कोई भी सुनता सुनाता अथवा पढ़ता है उसे भी दोनों लोगों में आनंद प्राप्त होता है। बोलो महाकृष्ण 22वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं तुम्हें वार्षिक व्रतों के संबंध में व्रत सुनाता हूँ। उन्हें धारण करने से व्रती को सब प्रकार से आनंद प्राप्त होता है तथा अंत में मुक्ति प्राप्त कर शिव जी का सामीप्य लाभ होता है। वार्षिक व्रतों में एक व्रत उमा महेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। उमा महेश्वर व्रत चैत्र तथा माघ शीश माघ के शुक्ल पक्षी अष्टमी चतुर्दशी और पूर्णिमा अथवा अमावस्या को करना चाहिए। इस व्रत का नियम है, प्रातःकाल उठकर संकल्प करें, तदुपरांत नित्य कर्म आदि से निवृत्त हो नदी में स्नान करें, फिर अपने घर में आकर श्रेष्ठ मंडप तथा 5 कलशों की स्थापना करें। कलशों को शुद्ध वस्त्र ढाके तथा उसके ऊपर शिव तथा गिरजा की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमा में शिव जी का रूप स्वरूप शंख चक्र गदा और पद्म युक्त तथा गिरजा का स्वरूप वस्त्र आभूषण से युक्त होना चाहिए। तत्पश्चात विधिपूर्वक उनका पूजन तथा हवन करके पंचाक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। हे नारद, प्रदोष काल में शिवजी का द्वारा पूजन करके ब्राह्मणों को सपत्नी भोजन करावे और उन्हें दान दक्षिणा आदि से संतुष्ट करें। तदुपरांत स्वयं दूध सहित मीठा भोजन करें। इसी प्रकार एक वर्ष तक दोनों पक्ष में इस व्रत को धारण करता रहे। जो लोग इस विधि से उमा महेश्वर व्रत को धारण करते हैं उनकी 3 पीढ़ियाँ तर जाती हैं। ऐसे लोगों को संसार में सुख तथा परलोक में शिव जी का सामीप्य प्राप्त होता है। इस संबंध में हम तुमसे एक कथा कहते हैं। हे नारद, प्राचीन काल में विदर्भ नामक एक ब्राह्मण
अनर्थ देश में ही रहा करता था। वह ब्राह्मण अत्यंत धनवान, बलवान तथा विद्वान था। उसके अनेक संतानें थीं, जिसमें शारदा नामक एक कन्या बड़ी पंडिता थी। जब वह कन्या 12 वर्ष की हुई, तब एक धनवान ब्राह्मण ने वैदव के पास जाकर यह कहा कि तुम अपनी पुत्री का वह हमारे साथ कर दो। वह ब्राह्मण राजा का मित्र था, अतः उसकी मांग सुनकर वैदव पहले तो बहुत चिंतित हुआ, परंतु अंत में यह विचार करके कि इसकी मांग को अस्वीकार करने पर राजा भी उसका विरोधी हो जाएगा, उसने शारदा का विवाह उस बूढ़े ब्राह्मण के साथ कर दिया। हे नारद, मध्याह्न काल में तो राजा का विवाह हुआ, और उसी दिन संध्या काल में जब वह ब्राह्मण नदी के तट से संध्या करके लौट रहा था, मार्ग में सांप के काट लेने से उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर दोनों कुल के लोग अत्यंत दुखी हुए, परंतु विधि के विधान में परिवर्तन करना सामर्थ्य की बात ना जानकर धैर्य धारण कर चुप हो गए। शारदा विधवा होकर अपने माता पिता के घर रहने लगी। जब कुछ समय व्यतीत हो गया, तब एक दिन घटना घटी। शारदा के पिता तथा भाई किसी स्थान पर विवाह में सम्मिलित होने के लिए गए हुए थे। उनके लौटकर आने से पूर्व ही अंधे वैधुर मनी अपने शिष्यों के हाथ पकड़े हुए शारदा के घर आ पहुँचे। शारदा ने अत्यंत सेवा की तथा भोजन कराया। उस समय वैधुर मनी ने उसे वरदान देते हुए कहा, हे शारदे, तुम्हें अपने पति द्वारा एक पुत्र की प्राप्ति होगी तथा देवताओं की कृपा से यह बालक बड़ा धर्मात्मा होगा। मुनि के यह वचन सुनकर शारदा ने अत्यंत चकित हो हाथ जोड़ इस प्रकार कहा, हे प्रभु, मेरे पति की तो मृत्यु विवाह के दिन ही हो गई थी, अतः आप मुझे यह बताएं कि आपका कथन किस प्रकार सत्य होगा। हे नारद, शारदा के मुख से ये शब्द सुनकर वैधुर मुनि ने कहा, हे पुत्री, नेत्रहीन होने के कारण मैं तुम्हें बिना देखे ही एक ऐसा वर दे बैठा हूँ, फिर भी मैं भगवान सदाशिव को प्रसन्न करके अपने वचन को सत्य करूँगा। तुम भी मेरी आज्ञा मानकर उमा महेश्वर व्रत का धारण करो। मुनि के यह वचन सुनकर शारदा अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने उत्तर दिया, मैं आपकी आज्ञा के अनुसार उमा महेश्वर का व्रत अवश्य धारण करूंगी। यह सुनकर मुनि ने उसे व्रत की विधि बतला दी। उसी समय शारदा के पिता तथा भाई भी लौट कर घर आए। उन्होंने जब यह वृतांत सुना तो मुनि से इस प्रकार बोले, हे प्रभु, आपने अत्यंत कृपा की जो यहाँ आकर हमें अपना दर्शन दिया। हमारी यह पुत्री आपकी शरण में है, अब आप कृपा करके यहीं शिवालय में निवास कीजिए। जब इसका व्रत समाप्त हो जाए, तब आप जहाँ चाहे वहाँ चले जाइएगा, परंतु इस समय तक यही निवास कीजिए। वैधुर मुनि ने इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। तब शारदा उसके बताए अनुसार महेश्वर का व्रत करने के लगी, और उसे उपदेश करते रहे। बोलो महाशिवपुराण 23वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इस प्रकार शारदा को व्रत करते हुए एक वर्ष व्यतीत हो गया। तब उसने व्रत का उद्यापन किया। मुनि ने भी जप तप योग आदि द्वारा भगवती गिरजा को प्रसन्न किया। दोनों की ऐसी भक्ति देखकर श्री गिरजा ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए। उनके दर्शन पाकर मुनि का अंधापन दूर हो गया। उस समय मुनि तथा शारदा ने गिरजा की बहुत स्तुति की। हे नारद, जब गिरजा जी प्रसन्न होकर दोनों को संबोधित करते हुए यह कहा, मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करूँगी, तुम जो चाहते हो वह कहो। यह सुनकर मुनि बोले, हे मातेश्वरी, मैंने अनजान में शारदा को यह वरदान दिया कि तुम अपने पति द्वारा एक पुत्र को जन्म दोगी, अतः आप मेरे इस वचन को सत्य करने की कृपा करें। यह सुनकर भगवती गिरजा बोली, हे मुनि, मैं तुम्हें शारदा के पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ। हे मुनि, पूर्व जन्म में शारदा एक दरिद्र ब्राह्मण की पुत्री थी। वह एक ऐसे व्यक्ति को ब्याई गई जिसके घर में पहले से भी एक पत्नी थी। वहाँ उसने अपनी सौत को अनेक प्रकार के कष्ट दिए। इसका पति भी इसकी सुंदरता पर ऐसा मोहित था कि उसने भी पहली अपनी पत्नी की ओर ध्यान देना छोड़ दिया। फलस्वरूप वह चिंतातुर हो कुछ ही दिनों में मृत्यु को प्राप्त हो गई। उसके पड़ोस में एक युवा ब्राह्मण रहता था। वह एक दिन उसकी सुंदरता पर मोहित होकर उसका हाथ पकड़ लिया। तब शारदा ने उसे अनेक प्रकार के दुर्वचन कहकर धिक्कारा, परंतु वह उसके मुँह में व्याकुल होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। हे मुनि, शारदा ने अपनी सौत को बहुत कष्ट पहुँचाया था, इसीलिए यह इस जन्म में विधवा हुई है तथा निरंतर 21 जन्म तक विधवा ही होती रहेगी। वो सब श्राप मिल गया था ना, कर्म उसने ऐसे करे। इस बार उस ब्राह्मण की पत्नी होकर विधवा हुई। उसने पूर्व जन्म में उसके विरह में अपने प्राण त्याग दिए। इसका पूर्व जन्म का जो पति था, वह पांडु देश में एक ब्राह्मण के घर उत्पन्न हुआ है। वह अत्यंत धनी, सुंदर, बुद्धिमान तथा शिव भक्त है। मैं ये वरदान देती हूँ कि उसके साथ इसकी प्रतिदिन स्वप्न में भेंट हुआ करेगी। उसके रहने का स्थल कहीं
से 307 योजन दूर है। शारदा अपने इस पूर्व जन्म के पति के साथ सुख में भोग विलास कर शुभ घड़ी में एक पुत्र को जन्म देगी। उस बालक को ये भी माया थी वैसे। सपने में बच्चे हो गए थे। हाँ, आँख में देखो तो बच्चों के वो वशी करने वाले थे ना मंत्र से। पता नहीं क्या मंत्र, एक विद्या होती है ना ये भी, वशीकरण एक मंत्र होता है, देववचन कठोर एक श्लोक है ना, इस वो संस्कृत में आते हैं ये ज्यादा। उस बालक को देखकर बालक का पिता अत्यंत प्रसन्न होगा। हे नारद, मुनि से इस प्रकार कहकर पार्वती जी ने शारदा से कहा, हे शारदा, तुम्हारा पति तुम्हें प्रतिदिन स्वप्न में मिला करेगा, उसके साथ भोग विलास करती हुई तुम एक पुत्र को जन्म दोगी। तुम्हारा पुत्र बहुत बलवान, धनवान तथा यशस्वी होगा। इस व्रत के प्रभाव से तुम भी अन्न मुक्ति को प्राप्त करोगी। इतना कहकर भगवती गिरजा अंतर्ध्यान हो गई। हे नारद, प्रातःकाल होने पर मुनि ने यह सब वृतांत शारदा के माता पिता को सुनाया। तदुपरांत मुनि तो अपने स्थान को चले गए तथा शारदा प्रतिदिन स्वप्न में अपने पति से भेंट करने लगी। कुछ दिनों बाद वह गर्भवती हुई तो बंधु बांधवों ने, अन्य लोगों ने उसे व्यभिचारिणी समझ कर धिक्कार देना प्रारंभ कर दिया। पति है नहीं स्वप्न में, कौन मानेगा कि स्वप्न से भी हो जाते हैं बच्चे। आजकल हो जाए तब भी ना कोई माने तो हाँ, बंद कर लो, स्वप्न आने लगते हैं। कुछ दिनों बाद वह गर्भवती हुई तो बंधु बांधवों ने, अन्य लोगों ने उसे व्यभिचारिणी कह समझ कर धिक्कार देना आरंभ किया। लोगों ने शारदा के माता पिता से यह भी कहा कि उसे घर से निकाल दें। जब शारदा के माता पिता इस बात के लिए तैयार हो गए, उस समय आकाशवाणी ये शारदा ने कोई कुकर्म नहीं किया है, जो लोग इसे दोष लगाएंगे उनकी जीवा फट जाएगी। इस आकाशवाणी को सुनकर शारदा के पिता, भाई, बंधु आदि अत्यंत प्रसन्न हुए, परंतु कुछ लोग आश्चर्य में भर कर यह कहने लगे कि आकाशवाणी के बहाने किसी ने झूठी बातें कह दी हैं। परिणाम यह हुआ कि ऐसे कहने वालों की लोगों की जीवें तुरंत फट गई। बोलो महाशिवपुराण 24वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शुभ घड़ी प्राप्त होने पर शारदा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। वह बालक सूर्य के समान प्रकाशमान, जिसका नाम शारदेव रखा गया। बड़े होने पर उसने अल्प काल में तीनों वेद पढ़ लिए तथा शिवजी की भक्ति में संलग्न रहकर माता की सेवा करने लगा। विवाह हो जाने के पश्चात अनेक संतानों को जन्म दिया। एक बार वे अपनी माता को साथ लेकर गौकर्ण तीर्थ में स्नान के लिए गए। शिवरात्रि के दिन आ पहुँचा। वहाँ शारदा का पति यह वह भी ब्राह्मण आया हुआ था, जिसे शारदा स्वप्ने प्रतिदिन देखा करती थी। शारदा वहाँ उसे पहचान कर अत्यंत आनंदित हुई। उधर जब उसने भी यह देखा कि वह स्वप्न में जिस स्त्री का पुत्र को देखा करता है वह यहाँ उपस्थित है, बताओ सपने की बातें साकार हो रही हैं, तो वह भी अत्यंत आनंदित हुआ। तदुपरांत वह वास्तविक वेद को जानने के लिए शारदा के पास आया और इस प्रकार पूछने लगा, हे भद्रे, तुम किसकी पुत्री अथवा किसकी पत्नी हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम बारंबार हमारी ओर क्यों देख रही हो? इसका कारण बताओ। यह सुनकर शारदा ने रो रो कर अपना संपूर्ण वृत्तांत उसे सुना दिया। तब उस ब्राह्मण ने हंसकर पूछा, यह पुत्र किसका है? इसे देखकर मेरे हृदय में पिता के समान प्रीति उत्पन्न होती है। जब तुम विधवा हो गई तब यह बालक किस प्रकार उत्पन्न हुआ? यह सुनकर शारदा ने लज्जित होते हुए उत्तर दिया, हे स्वामी, यह बालक आपके द्वारा ही उत्पन्न हुआ है। इसका नाम शारदेव है और यह संपूर्ण विद्याओं को जानने वाला है। यह सुनकर उस ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बड़ा आश्चर्य की बात है कि तुम्हारा पति तुम्हारा हाथ पकड़े बिना ही मृत्यु को प्राप्त हो गया और तुम इस बालक को जन्म दे बैठी। अतः जो वृतांत सत्य है वह हमें बताओ। तब शारदा ने लज्जा त्याग कर सब सच्चा वृतांत कह सुनाया, जिससे ब्राह्मण को अपने मन में यह निश्चय हो गया कि शारदा ही मेरी पत्नी है, स्त्री है। हे नारद, उस समय शारदा तथा उसके पति को अत्यंत प्रसन्नता हुई। शारदा ने व्रत का आधा फल उस ब्राह्मण को दे दिया और स्वयं भी अपने पति के साथ रहकर उसके अधीन हुई। व्रत का फल प्राप्त होते ही उस ब्राह्मण को अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। तब वे अत्यंत प्रसन्न अपने माता पिता की आज्ञानुसार शारदा तथा उसके बालक को अपने घर ले गया। वहाँ शारदा ने उसकी बहुत सेवा की। सांसारिक भोग करने के पश्चात जब यह ब्राह्मण मृत्यु को प्राप्त हुआ तब शारदा भी इसके साथ सती हो गई। उस समय वे दोनों विमान में बैठकर शिवपुरी जा पहुँचे। हे नारद, शारदा की यह कथा अत्यंत पवित्र है। इसे सुनने तथा सुनाने से दोनों लोकों में अत्यंत आनंद मिलता है। यह स्त्रियों के पति की आयु में वृद्धि करती है।
उमा महेश्वर व्रत को राजा व्रत कहा जाता है। जो स्त्रियां इस व्रत को धारण करती हैं वे दोनों कुलों को पवित्र कर देती हैं। बोलो माँ शिवराय। एकादश खंड पहला अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, मैंने तुम्हें शिव जी के निर्गुण तथा सगुण दोनों स्वरूपों के चरित्र सुनाए, अतः अब तुम जो और सुनना चाहो तो मुझे बताओ। इतनी कथा कहकर शिव जी ने कहा, हे शौनकादि ऋषियों, ब्रह्मा जी के मुख से यह वचन सुनकर नारद जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए इस प्रकार कहा, हे पिता, आपने अत्यंत कृपा करके मुझे शिव चरित्र सुनाया जिससे मुझे सर्वश्रेष्ठ धर्म की प्राप्ति हुई। अब मेरी अभिलाषा है आप मुझे संपूर्ण ब्रह्मांड की स्थिति के संबंध में बताने की कृपा करें जिससे मेरे मन में कोई संदेह नहीं रहे। हे शौनकादि ऋषियों, नारद जी की यह प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे पुत्र, भगवान भूत भावन सब प्राणियों द्वारा पूजनीय हैं। यद्यपि सदा शिव जी तीनों गुणों से परे हैं, फिर भी वे ब्रह्मांड के उपकार के लिए सगुण रूप धारण ग्रहण करते हैं। वे सबके स्वामी हैं और उन्हीं का स्मरण करना सब लोगों को उचित है। इस प्रकार कहते हुए ब्रह्मा जी आनंदमग्न हो गए। उस प्रसन्नता में उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह निकली। तत्पश्चात वे भगवान सदाशिव के चरणों का बारंबार स्मरण करते हुए इस प्रकार बोले, हे नारद, तुम परम धन्य हो क्योंकि तुमने बारंबार भगवान सदाशिव के चरित्रों का संबंध में प्रश्न करके मेरे आनंद की वृद्धि की है। जो लोग भगवान सदाशिव के चरित्र सुनने के लिए किसी के से कुछ प्रश्न करते हैं वे बिना किसी परिश्रम के भव सागर से पार हो जाते हैं। हे पुत्र, शिव जी के स्वरूप दो प्रकार के हैं, एक तो क्षर दूसरा अक्षर। संपूर्ण ब्रह्मांड में दोनों स्वरूप प्रकट रूप से विद्यमान हैं। जिस भांति शिव जी के स्वरूप दो प्रकार के हैं उसी प्रकार उनकी माया भी दो प्रकार की है, पहली विद्या दूसरी अविद्या। शंकर जी सगुण रूप माया से परे शरीर रहित तथा परमेश्वर हैं। सगुण रूप शिव जी की लीला से तीनों लोकों का अस्तित्व प्रकट होता है। 14 भुवन तथा संपूर्ण ब्रह्मांड उन्हीं के द्वारा निर्मित हैं। हे नारद, मनुष्यों को सर्वप्रथम भगवान सदाशिव के विराट रूप का ध्यान धरना चाहिए। उसी विराट रूप में 7 लोक ऊपर तथा 7 लोक नीचे। मैंने बताया 7 हम बीच में हैं, 7 हमारे ऊपर 7 नीचे। नीचे के लोकों के नाम इस प्रकार हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल तथा पाताल। इन लोकों को विराट स्वरूप शिव जी के चरणों के समान समझना चाहिए। ऊपर के लोकों के नाम इस प्रकार के, भूलोक, भूलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक तथा सत्यलोक। इन लोकों को शिव जी के शरीर का ऊपरी भाग समझना चाहिए। उपलोकों की गणना भी इन्हीं भागों में होती है। अब तुम विराट स्वरूप का वर्णन और अधिक विस्तार पूर्वक सुनो। उस विराट स्वरूप तर चरण तल का पाताल, टखना, रसातल, पिंडरिया, महातल, घुटने, तलातल, जांगे, सुतल, शरीर का एक भाग वितल, दूसरा भाग अतल तथा राने महातल हैं। इसी प्रकार ऊपर के लोकों को यूँ समझना चाहिए, भूलोक नाभि, भूवरलोक छाती, स्वरलोक मुख, जनलोक मस्तक, तपलोक सिर, सत्यलोक कंठ, महलोक हृदय हैं। इसी प्रकार सिर से पांव तक 14 लोकों को विराट रूप का अंग समझकर ध्यान धरना उचित है। हे नारद, अब तुम 14 लोकों के विस्तार का वर्णन वृतांत सुनो। यह संपूर्ण ब्रह्मांड 14 लोकों में बटा हुआ है। भूतल के 7 खंड हैं, वह एक अयुत योजन लंबा है। वहाँ स्वर्ग लोक से भी अधिक आनंद उपस्थित है। वहाँ के सभी खंड अत्यंत प्रकाशवान तथा सुंदर है। वहाँ भोग विलास के लिए परम सुंदरी स्त्रियाँ और असंख्य धन विद्यमान हैं। वहाँ देवताओं के स्थान रत्नों से जटित परम सुंदर हैं जिन्हें देखकर विश्वकर्मा को भी लज्जा आती है। वहाँ किसी के दुख, शोक, वृद्धावस्था, मृत्यु, चिंता आदि नहीं होते। रसायन सेवन करने के कारण वहाँ सभी प्राणियों के शरीर अत्यंत तेजस्वी तथा दीप्तिमान रहते हैं। इस स्थान पर बहुधा दैत्य, दानव, सर्प आदि रहते हैं। वे अपना समय प्रसन्नतापूर्वक व्यतीत करते हैं। महाशिरोमणि के प्रकाश द्वारा वहाँ कोई अंधेरा नहीं होता, दिन रात प्रकाश ही फैला रहता है। वहाँ की पुष्प वाटिका में सहस्त्रों प्रकार के छायादार वृक्ष फल फूलों से लदे रहकर हृदय को अत्यंत आनंद प्रदान करते हैं। उन पर बैठे हुए विविध प्रकार के पक्षी अपनी मधुर वाणी से सब लोगों का मन वश में कर लेते हैं। हे नारद, वहाँ की नदियों में कमल के फूल खिले रहते हैं।
तथा विभिन्न प्रकार की मछलियाँ एवं जल जंतु भ्रमण करते रहते हैं। उनके राजा शेष नाग हैं। उनके समूह अप्सराएं सदैव नृत्य किया करती हैं तथा नागों की कन्याएं सेवा में संलग्न रहती हैं। इसी प्रकार मैंने संक्षेप में नीचे के सात खंडों का वर्णन किया है। अब तुम प्रत्येक लोक का अलग अलग वर्णन सुनो। बोलो महाशिवराज। दूसरा अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सर्वप्रथम तुम अतल लोक का वृतांत सुनो। वहाँ पुण्य करने वाला मनुष्य पहुँचता है। उस लोक का राजा मय दानव का पुत्र है। उसने 96 मायाओं का निर्माण किया। भगवान सदाशिव की सेवा किए बिना अतल लोक किसी को प्राप्त नहीं होता। अतल लोक का विस्तार 10,000 योजन है। मय दानव का पुत्र भगवान सदाशिव के ध्यान में हर समय मग्न रहता है तथा बिना परिश्रम किए तीनों लोकों में भ्रमण करता रहता है। यह स्त्रियाँ तीनों लोकों को अपने काम पाश में आबद्ध कर लेने वाली हैं। जो मनुष्य पूर्व जन्म में शुभ कार्य करता है, वही दूसरे जन्म में अतल लोक में जाकर इन स्त्रियों के साथ विहार करता है। हे नारद, अतल लोक की स्त्रियाँ हाटक अर्थात स्वर्ण के रस को पी कर विहार करती हैं। इन स्त्रियों के दर्शन तथा स्पर्श मात्र से ही मनुष्य इनकी प्रीति में डूब जाता है। इस लोक का जैसा आनंद देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता, जो लोग हाटक रस पीने वाली इन स्त्रियों के साथ संभोग करते हैं, उन्हें 10,000 हाथियों का बल प्राप्त हो जाता है। इस हाटक रस को प्राप्त करने के लिए मय दानव के पुत्र ने हाटक देश के शिवजी का बड़ा पूजन किया था। मय दानव हाटक के शिवजी की इस प्रकार स्तुति किया करता है, हे भगवान सदाशिव, आप अनाथों के नाथ तीनों लोकों का दुख दूर करने वाले, सबको आनंद प्रदान करने वाले हैं। आपकी सेवा द्वारा असंख्य लोगों ने मुक्ति प्राप्त की है। आप सबका मनोज पूर्ण करने वाले हैं, अतः मेरे ऊपर भी निरंतर अपनी कृपा बनाए रखें। इस प्रकार स्तुति करता हुआ मय दानव का पुत्र शिवजी की कृपा से उस अतल लोक का राज्य तथा अप्रमेय आनंद प्राप्त करता है। इस हे नारद, अब तुम वितल लोक का वृतांत सुनो। यह लोक अतल लोक के नीचे ऊंचाई में 10,000 योजन तथा अंडे के समान गोल है। यह लोक तालाबों, नदियों तथा नहरों से सुशोभित है। इसमें कमल के फूल खिले रहते हैं। इस लोक का राजा बलि है। वह इस प्रकार से भगवान सदाशिव का पूजन करता है। इस लोक में शिवजी हाटक केश लिंग रूप से अपने गणों से विराजमान रहते हैं तथा तीनों लोकों का पालन करते हुए शिव रानी के साथ विहार किया करते हैं। उनके मस्तक से निकलने वाली जलधारा हाटक रस के नाम से प्रसिद्ध है। उसे पीकर अग्नि अत्यंत बलवान रहता है। वायु के संगम के द्वारा उस अग्नि के मुख से जो थूक बाहर गिरता है, उसे हाटक अर्थात कंचन कहते हैं। उस हाटक के आभूषण बनाकर वहाँ के निवासी सभी दैत्य पहनते हैं। वहाँ की स्त्रियाँ भी उन्हीं आभूषणों को धारण कर अपने पतियों की सेवा में संलग्न रहती हैं। हे नारद, राजा बलि शिवजी की जिस प्रकार स्तुति करते हैं, वह संक्षेप में इस तरह है। हे देवताओं के स्वामी, आप शरणागतों का पालन करने वाले, संपूर्ण संसार के दुखों को नष्ट करने वाले हैं। ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र आपके ही स्वरूप हैं। नारद शारद तथा शेष भी आपके गुणों का सम्यक वर्णन नहीं कर पाते। इसी प्रकार वहाँ के लोग निवासी भगवान सदाशिव की स्तुति और पूजा करते हुए सदैव प्रसन्न रहते हैं। हे नारद, अब तुम सुतल लोक का वृतांत सुनो। उसका विस्तार 10,000 योजन चकोर है। वहाँ राजा विरोचन का पुत्र बलि राज्य करता है। उसने विष्णु को दान देकर अत्यंत प्रसन्न किया। वो बर्तुक बन के आए थे ना, 3 कदम में सारी पृथ्वी भूल सब नाम लिया वो। अतः शिवजी को दान देकर अत्यंत प्रसन्न किया। उसके हृदय में भगवान सदाशिव का प्रेम सदैव विद्यमान रहता है। शिव भक्त होने के कारण उसे विष्णु जी भी नहीं मार सके। उसने विष्णु जी को ब्राह्मण के रूप में देख कर सब प्रकार का विरोध भुला दिया तथा अपना अनिष्ट कर देखते हुए भी धर्म को नहीं छोड़ा। उस राजा बलि द्वारा बाणासुर का जन्म हुआ था। बाणासुर ने एक पर्वत को अपने बल द्वारा मसल कर मिट्टी कर डाला था। बलि के नगर की रक्षा विष्णु जी स्वयं किया करते हैं। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, राजा बलि ने किस पुण्य के प्रभाव से ऐसा उच्च पद तथा श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त किया? ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिव भक्त होने के कारण ही विष्णु जी ने उसे पराजित नहीं कर सके। मैं तुम्हें उसके पूर्व जन्म का तथा दूसरे जन्म का वृतांत सुनाता हूँ। बोलो महाशिवराणी जय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, पुरातन काल में कर्ण नामक एक मनुष्य महापापी तथा ब्राह्मणों की निंदा करने वाला था। उसने अनेक जीवों की हिंसा भी की थी। कुछ समय बाद
वह ऐसा दरिद्र हुआ कि उसके शरीर पर कॉपी तक नहीं रह गई। जब वह चोरी और छल द्वारा अपना समय व्यतीत अंडरगार्मेंट्स पब्लिक जो पहनते हैं ना जेंट्स लेडीज और जो सन्नासी करते सन्नासी मैं समझी वो पहलवान भी तो वही पहनते हैं जो अखाड़े में जाते हैं वह चोरी हो गई। छल द्वारा अपना समय व्यतीत करने लगा। एक दिन वैश्या के लिए पान फूल तथा चंदन लिए दौड़ा चला जा रहा था कि उस समय संयोग से पृथ्वी पर गिर कर मूर्छित हो गया। कुछ देर बाद जब उसे चैतन्यता प्राप्त हुई तो उसने पृथ्वी पर गिरे हुए पान फूल आदि का शिव जी के नाम का संकल्प कर दिया तथा उसके मुख से ओम नमो शिवाय शब्द का उच्चारण करता हुआ मृत्यु को प्राप्त हो गया। यमराज के उसे दूत महापापी जानकर बांध कर यम के समीप ले गए। उस समय यम ने उसे संबोधित करते हुए कहा, हे कर्ण, तूने संसार में अनेक दुष्कर्म किए तथा अपने धर्म को त्यागा है, अतः हम तुम्हें घोर नरक में कष्ट देंगे, डालकर कष्ट देंगे। हे नारद, यमराज की बात सुनकर कर्ण ने उत्तर दिया, हे समदर्शी यम, धर्मराज अतः सबको बराबर देखने वाले धर्मराज, आप जो ये कहते हैं कि मैं पापी हूँ तो ठीक नहीं है। एक शुभ कर्म करने के कारण मेरे संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं। कर्ण के मुख से यह वचन सुनकर यमराज ने चित्रगुप्त को अपने पास बुलाकर कहा, हे चित्रगुप्त, तुम इस पापी की डिटाई तो देखो कि वह अपने आप को निष्पाप बता रहा है। मैंने इसे नरक में डालना चाहता हूँ, अतः इसके पाप पुण्य का जो लेखा जोखा है उसे तुम मेरे सम्मुख उपस्थित करो। यमराज के मुख से इन शब्दों को सुनकर चित्रगुप्त ने शिवजी को स्मरण किया। तदुपरांत कर्ण को शिव जी का कृपा पात्र जानकर इस प्रकार उत्तर दिया, हे महाराज, यद्यपि इस मनुष्य ने जीवन भर महापाप किए हैं परंतु मृत्यु के समय इसके मुख से ओम नमः शिवाय शब्द निकला है। इतना ही नहीं, वैश्य के निमित्त जिस सामग्री को ये लिए जा रहा था उसे भी इसने शिव जी को समर्पित किया है, अतः एक महापाप के कारण इसके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। महापुण्य के कारण इसके सब पाप नष्ट हो गए। मेरे विचार से आप इसे स्वर्ग भेजें तथा 3 घड़ी के लिए इंद्र आसन पर बिठा दें, वहाँ इसकी जो इच्छा हो वह कार्य करें। हे नारायण, चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने धर्मराज का उत्तम स्वरूप धारण कर कर्ण को अपना दर्शन दिया तथा शिव भक्त होने के कारण उसकी अत्यंत प्रशंसा भी की। उसी समय देव गुरु बृहस्पति जी ऐरावत हाथी को लिए हुए अन्य देवताओं के साथ धर्मराज के पास समीप आ पहुँचे। वे कर्ण पापुण लिख रहा है चित्रगुप्त, अपना भी लिख रहा है, हिसाब देगा वहाँ पर चित्रगुप्त लिखते हैं। हे कर्ण को ऐरावत हाथी पर बिठा कर इंद्रलोक को ले गए। वहाँ उसे 3 घड़ी के लिए इंद्रासन पर बिठा दिया। जिस समय इंद्र देवराज को हटाकर कर्ण उसके सिंहासन पर बैठा तो अपने हृदय में उसे अत्यंत प्रसन्नता हुई। हे नारद, जब कर्ण इंद्रासन पर बैठ गया उस समय तुमने उसके पुण्यों को क्षीण करने के निमित्त उसे यह सलाह दी कि तुम इंद्राणी को अपने पास बुलाओ और उसके साथ भोग विलास करके आनंद प्राप्त करो। कितना गलत होता था उस टाइम, वही चली आ रही है, वही चली आ रही है। पर बहुत ऊपर आजकल जबरदस्ती होती है, आजकल छोटी छोटी कन्याओं को नहीं छोड़ते, बाप बेटी को नहीं छोड़ रहा, बहन भाई को नहीं छोड़ रहा, और उसके साथ भोग विलास करके आनंद प्राप्त करो। परंतु तुम्हारी बात सुनकर कर्ण ने यह उत्तर दिया, हे नारद, हमें इंद्राणी से कोई प्रयोजन नहीं है। इतना कहकर कर्ण ने तुम्हें तो विदा किया तथा स्वयं अपने पुण्य को बढ़ाने के हेतु दान देना प्रारंभ किया। उसने अगस्त ऋषि को ऐरावत हाथी, विश्वामित्र को उच्चैःश्रवक घोड़ा, ये उसके थे ना इंद्र के सारे, गालव्य ऋषि को कामधेनु गौ, कल्प ऋषि देकर अन्य वस्त्र ऋषि मुनियों को दान कर दिया। मतलब वो इंद्र के आश्रम में बैठा, इनका सब सामान उसका हो गया, वो दान करने लग गया, उसकी सलाह मानी नहीं ना इंद्र। 3 घड़ी के भीतर ही उसने समस्त शिव क्षेत्रों में जाकर भगवान सदाशिव का पूजन किया तथा ब्राह्मणों को दान देकर संतुष्ट किया। हे नारद, जब 3 घड़ी का समय व्यतीत हो गया तब देवराज इंद्र पुनः अपने सिंहासन पर आरूढ़ हुए। उस समय इंद्र ने शिवजी की माया के वशीभूत हो इंद्राणी को अपने पास बुला क्रोध प्रकट करते हुए कहा, हे शची, कर्ण ने तुम्हारे साथ मैथुन अवश्य किया होगा, अतः तुम जो सत्य बात हो वह कहो और हमें बताओ।
उस समय इंद्राणी ने हंसते हुए यह उत्तर दिया, हे स्वामी, कर्ण बहुत शुद्ध व्यक्ति है, वह अत्यंत निर्मल है तथा शिवजी उसके ऊपर अत्यंत दयालु हैं। भगवान शंकर की कृपा से यह वह माया मोह को आदि से छूट कर परम पवित्र हो चुका है। बोलो माँ शिव जय। किसी को कोई ऊंचा है तो उसे नीचे भी गिरा देते थे, गलत सलाह दे देते थे। वो तो यहाँ अभी भी है, ये सब जो सही बंदा निश्चय है वो नहीं पता, जो सही बंदा वो रहने नहीं देना। चौथा अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इंद्राणी की बात सुनकर इंद्र अत्यंत लज्जित हुए। तदुपरांत जब उन्होंने यह देखा कि ऐरावत हाथी, उच्चैःश्रवा घोड़ा, कामधेनु गौ तथा कल्प वृक्ष आदि वस्तुएं कहीं भी दिखाई नहीं देती, तब उन्होंने बृहस्पति से यह पूछा, हे गुरु, इन सब वस्तुओं को यहाँ से कौन चुरा ले गया है? हे गुरु, ये सब कौन चुरा ले गया है? बृहस्पति ने उत्तर दिया, हे इंद्र, तुम्हारी सभी वस्तुओं को कणम ने दान कर दिया है। उसने अपना जन्म सफल बनाने के हेतु 3 घड़ी में ही संपूर्ण शुभ कर्म कर लिए हैं। यह सुनकर इंद्र ने अत्यंत चिंतित होकर कहा, हे प्रभु, अब आप मुझे ये बताइए कि मैं अपनी वस्तुओं को फिर कैसे प्राप्त कर सकूंगा? बृहस्पति ने उत्तर दिया, हे इंद्र, इस संबंध में तुम यमराज के पास जाकर उपाय पूछो। हे नारद, बृहस्पति की सलाह मानकर इंद्र यमराज के पास गए और उनसे इस प्रकार कहने लगे, हे यमराज, तुमने कणव को अपना पद देकर उचित नहीं किया। उसने 3 घड़ी के भीतर ही हमारी संपूर्ण वस्तुएं दान कर दी, अब तुम उन वस्तुओं को हमें किस प्रकार लौटाकर दिलवाओ? किसी प्रकार लौटाकर दिलवाओ। इंद्र की बात सुनकर यमराज ने कणव को अपने पास बुला लिया, अत्यंत क्रुद्ध हो इस प्रकार कहा, हे कणव, तुझे पराई संपत्ति नष्ट करने का क्या अधिकार था? भला तुझे ऐसा काम करने का साहस किस प्रकार हुआ? यह सुनकर कणव ने निर्भय होकर उत्तर दिया, हे यमराज, जब तक मैं वहाँ का स्वामी रहा तब तक मैंने जो जी में आया किया, ऐसी स्थिति में आप मेरे किसी भी कार्य को पाप कैसे कह सकते हैं? यमराज बोला, दान देना तो पृथ्वी में उचित कहा गया है, क्योंकि वहाँ दान देने का फल प्राप्त होता है, देवताओं के लोक में दान देने का फल नहीं मिलता। हे नारद, इस प्रकार यमराज ने कणव को बहुत डराया धमकाया, परंतु वह तनिक भी भयभीत नहीं हुआ। उस समय चित्रगुप्त ने हंसते हुए कहा, हे धर्मराज, कणव ने वेद के अनुसार उत्तम धर्म किए हैं, अतः वह नरकगामी नहीं हो सकता। कणव ने देवलोक में रहकर शिवजी के नाम पर जो दान दिया है वह भी उचित ही है। इस पुण्य कर्म के कारण कणव में सभी पाप नष्ट हो गए। हे नारद, चित्रगुप्त की यह संपत्ति सुनकर धर्मराज ने इंद्र से कहा, हे देवराज इंद्र, तुमने 100 अश्वमेध यज्ञ करके इंद्र लोक को प्राप्त किया है तथा कणव ने अपने शुभ कर्मों द्वारा सभी पापों को नष्ट कर डाला है। उचित है कि अब तुम अगस्त्य आदि सभी मुनियों के पास जाओ और उनकी सेवा करके धन आदि भेंट में देकर अपनी वस्तुएं वापस कर लो। इसके विपरीत इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। यह सुनकर इंद्र यमराज के पास लौट आए। तदुपरांत उन्होंने मुनियों की सेवा शुश्रुआ एवं भेंट आदि द्वारा अपनी वस्तुएं उन्हें प्राप्त कर ली। हे नारद, दूसरे जन्म में कणव विश्वकर्मा की पुत्री के गर्भ से, जिसका नाम सुरुचि था और जो विरोचन को ब्याही गई थी, उत्पन्न हुआ। विरोचन ने अपना मस्तक इंद्र को दान में देकर 3 लोकों में यश प्राप्त किया था। कणव इन्हीं विरोचन का पुत्र होकर 3 लोकों में बलि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बलि शिवजी की सेवा करके अत्यंत आनंदित रहा। इंद्र का मनोरथ पूर्ण करने के हेतु विष्णु जी वामन ब्राह्मण का स्वरूप धारण कर उसके समीप दान लेने गए। बलि ने विष्णु जी का छल जानते हुए भी उन्हें प्रसन्न किया। उस दान के प्रभाव से वह इस समय सुत्र ललोक का राजा है तथा
विष्णु जी उसके नगर में रहकर प्रतिदिन उसे अपनी दर्शनों से कृतार्थ किया करते हैं। बोलो शिव पुराण की जय। पांचवा अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, अब तुम तलाल तल लोक का वृतांत सुनो। यह सूतल लोक के नीचे बसा हुआ है तथा इसका विस्तार भी सूतल लोक जितना ही है। इस लोक का राजा नय दानव है। वह अत्यंत मायावी है। माया दानव ने ही त्रिपुर को इस प्रकार बनाया था कि वह किसी देवता को दिखाई भी नहीं देता था। शिव जी की कृपा प्राप्त करके उसे दैत्य में इतनी प्रतिष्ठा मिली है जितनी प्रतिष्ठा देवताओं में विश्वकर्मा को प्राप्त है। तलातल लोक के उद्यान फल फूलों से नियुक्त हैं। उस लोक को भी स्वर्ग के समान ही समझना चाहिए। ये नारद, मैं दानव वहाँ रहकर अपनी संपूर्ण प्रजा सहित शिव जी का स्मरण एवं पूजन किया करता है। इतनी कथा सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब तुम पांचवें महातल लोक का वृतांत सुनो। इस लोक में कद्रु नाम का पुत्र तक्षक राज्य करता है। तक्षक के फण में इतने रत्न जड़े हुए हैं कि वहाँ कभी भी अंधेरा नहीं होता। तक्षक सुषेण कुहुक आदि महाविश्वर सर्प जिनके मस्तक में मणियाँ लगी हुई हैं वहाँ निवास करते हैं। उनके विहार के हेतु सब प्रकार की सुख सामग्री वहाँ उपस्थित है। ये सब भगवान की परम भक्त हैं। ये नारद, तक्षक प्रतिदिन शिव जी के स्मरण पूजा एवं ध्यान में संलग्न रहकर इस प्रकार स्तुति किया करता है। ये भगवान सदा से आप भक्तों का पालन करने वाले हैं। आपकी महिमा को ब्रह्मा, विष्णु, शेष, शारदा, नारद, व्यास आदि देवता तथा ऋषि मुनि भी नहीं जान पाते। हे नारद, अब तुम रसातल लोक का वृतांत सुनो। यह लोक महातल के नीचे बसा हुआ है तथा उसका विस्तार भी अन्य लोकों के समान है। उस लोक में काले के तथा कवच नामक दानव एवं दैत्य निवास करते हैं। ये सब अत्यंत प्रतापी तथा बलवान हैं। एक बार देवताओं ने उन्हें परम तेजस्वी जानकर उनके राजा पण के समीप सूरमा को भेजा था। सूरमा ने वहाँ पहुँचकर यह कहा था कि विष्णु जी सब दैत्यों को मारकर तीनों लोगों को अपने अधीन करना चाहते हैं। तुम लोग उनसे त्राण पाने के हेतु भगवान सदाशिव का पूजन करो। सूरमा की बात सुनकर वहाँ के सभी निवासी अत्यंत भयभीत हुए। तभी वे दिन रात भगवान सदाशिव का स्मरण पूजन एवं ध्यान करने लगे। शिव जी के कृपा पात्र को हो जाने के कारण अब वे सब पूर्णतः निर्भय हैं। हे नारद, अब तुम पाताल लोक का वृतांत सुनो। यह लोक रसातल के नीचे है तथा विस्तार में भी इसी के समान है। रसातल लोक में वासुकी, शंख, पुनि, धृतराज, धनंजय, कमल, अशुतक, देवतक तथा कपिल आदि नाग निवास करते हैं। उनके फणों में 5 से लेकर सहस्त्रों की संख्या में मणियाँ लगी हुई हैं। ये मणियाँ ऐसी प्रकाशवान हैं जिनसे उनके दिन और रात का भेद नहीं जाना जाता। उस लोक में जरा, मृत्यु, निर्बलता, दुख, शोक आदि का कोई भी भय नहीं है। शिव जी के कृपा पात्र होने के कारण उन्हें किसी प्रकार का भय, शोक अथवा दुख नहीं है। हे नारद, पाताल लोक के राजा वासुकी नामक नाग हैं। वे भगवान सदाशिव की हर समय इस प्रकार स्तुति किया करते हैं। हे आदि अनंतहीन भगवान सदाशिव, आप तीनों लोकों को उत्पन्न करने वाले, पालन करने वाले तथा संहार करने वाले हैं। आप ही सबके स्वामी परम ब्रह्म हैं। आप सर्वथा स्वतंत्र होते हुए भी भक्त के अधीन रहते हैं। यही आपकी विशेषता है। हे नारद, जिस 7 लोगों का यह वृतांत मैंने तुमसे कहा, उन्हें सप्तांबर कहकर पुकारा जाता है। बोलो शिव पुराण की जय। 6वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, मैंने जिन 7 लोगों का वर्णन किया उन सबका विस्तार 10 सहस्र योजन है। ये सब अंडे के समान गोल तथा सुडौल है एवं उनकी लंबाई
7 लाख योजन है और 7 लोगों के नीचे एक अन्य लोक और भी है जिसे शेष लोक कहा जाता है। वह लोक इन सब लोकों का मूल है। उसका विस्तार 20 सहस्र योजन है। उसमें 10,000 फणधारी शेष जी विराजमान रहते हैं। वे अपने मस्तकों पर पृथ्वी को धारण किए हुए हैं तथा शिव जी के तामसी रूप हैं। उनके नाम संकर्षण एवं अनंत आदि हैं। वे प्रतिदिन भगवान सदाशिव का स्मरण किया करते हैं। वह प्रलय काल आने पर रुद्र की दोनों भुवों के बीच से उत्पन्न होकर 11 शरीर धारण करते हैं तथा अपने प्रकाश द्वारा प्रलय करके सबका नाश कर देते हैं। उस समय उनका स्वरूप महाभयानक होता है तथा उनके हाथों में त्रिशूल दिखाई देता है। प्रलय कर चुकने के उपरांत वे सुंदर स्वरूप धारण कर लेते हैं। हे नारद, शेष जी का पूजन तथा श्रवण करने से सब प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। उनकी पूजा से शिव जी प्रसन्न होते हैं क्योंकि वे शिव जी के परम भक्त तथा उनकी एक स्वरूप हैं। वे शिव जी की इस प्रकार स्तुति किया करते हैं। हे भगवान सदाशिव, आप भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करते हैं। आप दुष्टों को दंड देने वाले तथा सेवकों को आनंद प्रदान करने वाले हैं। जिस समय हलाहल विश्व उत्पन्न होने का संपूर्ण सृष्टि जली जा रही थी तब आपने ही उस विष को पीकर तीनों लोकों का दुख दूर किया था। काल भी आपसे भयभीत रहता है, फिर मैं आपकी महिमा का वर्णन किस प्रकार करूं? बोलो शिव पुराण। 7वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, अब आप मुझे यह बताइए कि नरक लोक किस स्थान पर स्थित है? उनकी गणना तीनों लोकों में होती है अथवा वे कहीं भिन्न है? ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, नीचे के 3 7 लोकों का मैंने वर्णन किया है। उन सब में पताल लोक के नीचे ये नरक लोक जल पर स्थित हैं। नरक लोक में पापियों को दंड देने के स्थान उन सब की संख्या 55 करोड़ है। उनमें जो बड़े बड़े नरक हैं उनका वर्णन तुमसे करता हूँ। 55 करोड़ तरह तरह के मिलते हैं अपने अपने पाप के अनुसार। हे नारद, मुख्य नरक 21 हैं जिनके नाम इस प्रकार जानने चाहिए। तामिश्र, लोहदंड, महाभैरव, शालू करोरव, कुमुदल, भीष्म, भयंकर, पूतरज, कालसूत्र, संघात, तापन, कंकाल, संजीवन, महापथ, विचर्चित, अंध, कुंभीपाक, असीपत्र, पतन, अग्निमंथन तथा संधिग्ध। कुछ मुनियों ने बहुत नरकों की संख्या 28 कही है, उसमें 21 तो उपयुक्त हैं। शेष 7 इस प्रकार हैं: शारकर्दम, राक्षस भोजन, शूलपोत्र, दंडशूल, घोर, अविटी निरोधन तथा सूची मुख। हे नारद, इन नरकों में यमराज अत्यंत भयानक स्वरूप धारण कर पापियों को दंड देते हैं। वे स्वयं दक्षिण की ओर पितृलोक में रहते हैं तथा पितरों की संपत्ति में ही पापियों को दंड देते हैं। पापियों के कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले पितृगुप्त हैं। मैंने 12 पुत्र जो श्रवण नाम से प्रसिद्ध हैं, प्रत्येक प्राणी के शुभाशुभ कर्मों का समाचार पितृगुप्त के पास पहुंचाते हैं। यमराज की सभा में पृथ्वी के ये सभी धर्माचार्य राजा जिन्होंने जीवन भर धर्म पूर्वक राज्य किया है सभासद के रूप में उपस्थित रहते हैं। वे संपूर्ण लोकों से आने वाले प्राणियों की शुभाशुभ कर्मों का विचार कर उनके लिए दंड अथवा स्वर्ग सुख का निश्चय करते हैं। हे नारद, अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि किस प्रकार किस पाप के करने से कौन सा नरक प्राप्त होता है। जो लोग दूसरे की स्त्री अथवा धन का अपहरण करते हैं वे यमदूतों द्वारा तामिस नरक में डाले जाते हैं। जो लोग छल पूर्वक किसी स्त्री का पतिव्रत धर्म नष्ट कर देते हैं उन्हें अंध तामिस्र नरक में पहुंचकर बहुत दुख उठाना पड़ता है। जो लोग मारकर तथा ममता में पड़कर
अन्य जीवधारियों के साथ शत्रुता रखते हैं, केवल अपने परिवार का पालन करने में ही संलग्न रहते हैं तथा प्राणियों की हिंसा करते हैं। उन्हें रौरव नरक में पहुँच कर अपना मांस स्वयं खाना पड़ता है। रौरव नरक को सब नरकों में अत्यंत दारुण कहा गया है। दारुण मीन्स कठिन कठिन प्रायवाची शब्द तो बहुत हो गए। हाँ। हे नारद, जो लोग निर्दय बनकर पक्षियों को मारते हैं उन्हें कुंभी पाक नरक में ले जाकर जलते हुए तेल में डाला जाता है। ये तो सुना हुआ है, कुंभी वाला तो मैंने सुना हुआ, जलते हुए कढ़ाई तेल में डालते हैं। हाँ हाँ, किसी ये तो सुना हुआ। उसमें पूरा ना एक फोटो थी, उसके ऊपर फोटो फोटो बनी हुई थी, इसमें लिखा हुआ था कि ये जो ऐसे पहले आता था धर्मराज का, पहले आता था धर्मराज, पता नहीं किसके घर में देखी थी कि मंदिर में, ये देख रखी है मैंने भी फोटो, माँ बापों को डांटता है उसको भी दंड मिलता है, जो माँ को दुख देता है जैसे आजकल विद्यालय में छोड़ छोड़ के आ जाता है। जो लोग ब्राह्मण देखा है अभी, जो लोग ब्राह्मण तथा पितरों के विरोधी होते हैं उन्हें कामसूत्र नामक नरक में जाकर बहुत दुख उठाना पड़ता है। संपूर्ण भूमि तांबे की है, जो सूर्य तथा अग्नि की उष्णता से हर समय जलती रहती है। जब पापी को उस नरक में डाला जाता है तब वह वहाँ की उष्णता को सहन न कर सकने के कारण चारों ओर भागता है, परंतु उसे कहीं भी आश्रय नहीं मिलता। जो लोग अपने मुख्य धर्म को त्याग कर पाखंडी हो जाते हैं उन्हें असी पत्र नामक नरक में डालकर अग्नि के समान उष्ण पृथ्वी पर दौड़ाया जाता है तथा उसके शरीर को तलवार की धार के समान पहले पत्थर से काटा जाता है। जो लोग प्रतिदिन पंच यज्ञ किए बिना भोजन कर लेते हैं मानो वे कौवे के समान होकर कुछ करते भी है। क्या कौन से यज्ञ करते हैं? मृत्यु के उपरांत ऐसे लोग काले हो जाएंगे, मृत्यु के उपरांत बुरा हाल हो जाएगा। मृत्यु के उपरांत ऐसे लोग कीड़े बनते हैं जो उन्हें कीड़े ही खाने पड़ते हैं। ये नारद, जो लोग शास्त्र वर्जित स्त्रियों के साथ मैथुन करते हैं वे खम्भ नामक नरक में डाले जाते हैं। वहाँ लोहे का एक खम्भा अग्नि के समान दिन रात चला, उन पापियों को उसी खम्भे से लिपटा कर जलाया जाता है। जो लोग पशुओं के समान मैथुन के अतिरिक्त अन्य किसी शुभ कर्म में ध्यान नहीं लगाते उन्हें कंटक तथा शालमली नामक नरकों में डाला जाता है। जो लोग राजा अथवा अधिकारी होकर धर्म के विरुद्ध आचरण करते हैं अथवा पुरातन धर्मों का खंडन कर नवीन मत को प्रकट करते हैं वे वैतरणी नामक नदी में डाले जाते हैं। उसमें मल, मूत्र, रक्त, केश, अस्थि, नख, मांस, पीव आदि भरे हुए हैं। उसमें सभी पापियों को गोता लगाना पड़ता है। जो लोग शौच नदी पार कर ली तो सब कुछ पार कर, जो लोग शौच धर्म नियम लज्जा आदि का विचार त्याग कर वैश्यों के साथ भोग करते हैं उन्हें कुयोदक नामक नरक में जाकर भोजन के बदले मल, मूत्र, मेघ, मज्जा आदि खाने पड़ते हैं। जो ब्राह्मण जाति के लोग अन्य पशुओं का शिकार करते हैं उन्हें विकराल नामक नरक में जाना पड़ता है। ये नरक जो लोग मिथ्या पाखंड फैलाकर यज्ञ के बहाने निर्दयता पूर्वक जीवों का वध करते हैं वे विशेष नामक नरक में डाले जाकर दुखी किए जाते हैं। जो लोग अपनी स्त्री को छोड़कर दूसरे वर्ण की स्त्री के साथ मैथुन करते हैं उन्हें लाला भक्ष नामक नरक में जाकर वीर्य पीना पड़ता है। जो लोग चोरी, लूटमार तथा औरों के धन छीनने का कार्य करते हैं अथवा गांव को उजाड़ देती हैं उन्हें सारमयादन नामक नरक में जाना पड़ता है। जो लोग लोभ से अथवा दान प्राप्त करने की इच्छा से मिथ्या साक्षी देती हैं उन्हें अत्यंत नामक नरक में जाना पड़ता है। उस नरक में चारों ओर घोर अंधकार भरा हुआ है, वहीं 100 योजन ऊंचा एक पर्वत है। यमदूत पापी मनुष्य को उस पर्वत के ऊपर ले जाकर सिर के बल नीचे डालते हैं जिसके कारण उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, फिर भी वह मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार
बहुत समय तक उसे कष्ट उठाना पड़ता है। जो लोग ब्राह्मण अथवा स्त्री होकर मद्यपान करते हैं उन्हें अंधकूप नामक नरक में जाकर बहुत ही कष्ट उठाना पड़ता है। ये नारद, जो मनुष्य वर्ण आश्रम धर्म जप तप नियम आचार विचार आदि के विरुद्ध चले तथा कठोरता अन्याय आदि का आश्रय ले उसे शार नामक नरक में सिर के बल नीचे डाला जाता है। जो लोग किसी मनुष्य की बलि देते हैं तथा जो स्त्री मांस भक्षण करती हैं उसे शुभ भोजन नामक नरक में जाकर दुख उठाना पड़ता है। जो लोग जीवों को मारकर प्रसन्न होते हैं अथवा जाल डालकर जीवों को पकड़ती हैं, जो लोग निर्दोष मनुष्य के साथ विश्वासघात कर उन्हें मार डालते हैं अथवा जो लोग दया भाव को त्याग देते हैं उन्हें शूर पोत्र नामक नरक में पड़कर भूख प्यास का दुख उठाना पड़ता है। वहाँ चील कौवे आदि पक्षी अपनी चोंचों से उनका मांस नोच नोच कर खाते हैं। जो लोग अतिथियों की ओर क्रूर दृष्टि से देखते हैं अथवा अंधे आदमियों को सीधे मार्ग से भटकाने अथवा गड्ढे में गिराने का प्रयत्न करते हैं उन्हें निरोधन नामक नरक में पहुंचकर बहुत दुख उठाना पड़ता है। जो लोग धन की गर्व में भरे रहते हैं अथवा धन संग्रह करके अन्य लोगों को घृणा की दृष्टि से देखते हैं वे सूची मुख नरक में डाले जाते हैं। ये नरक, इस प्रकार नरकों की संख्या सहस्त्रों में है। विस्तार में से उन सबका वर्णन नहीं किया गया है। जो लोग धर्मात्मा होते हैं वे स्वर्ग लोक में जाकर विविध प्रकार के सुखों का उपभोग करते हैं। जब तक मनुष्य का कोई पाप अथवा पुण्य शेष रहता है तब तक उसे मृत्यु लोक में बार बार आकर जन्म लेना पड़ता है। ये भी देख लो जो रह जाते हैं। जब पाप और पुण्य दोनों बराबर हो जाते हैं तब प्राणी आवागमन से छूट जाता है। इस कथा को सुनने सुनाने तथा पढ़ने से भी दोनों लोगों को आनंद की प्राप्ति होती है। बोलो शिव पुराण की जय। एक कर्मों का फल तो सच्ची बात है, भोगना ही पड़ेगा। कितने न बताए जीते जी भी भोग लेते हैं मरने के बाद ही क्या पता कलयुग में यही भोग लेते हो। आठवां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, नीचे के लोगों का वर्णन तो हो चुका, अब तुम ऊपर के लोगों का वृत्तांत सुनो। खेतीलोक में मनुष्य रहते हैं। खेतीलोक का विस्तार 50 करोड़ योजन का है। इस लोक में 7 द्वीप हैं जिनके चारों ओर से दिग्गज घेरे हुए हैं। इन द्वीपों के नाम इस प्रकार है, जम्बूद्वीप, लक्षद्वीप, शालमोली द्वीप, कुश द्वीप, क्रोच्चद्वीप, प्रोंच द्वीप, शाक्यद्वीप तथा पुष्कर द्वीप। ये 7 द्वीप क्रमानुसार एक दूसरे से लंबाई में दुगुण है। इन 7 द्वीपों के चारों ओर खाई की भांति 7 समुद्र है जिनके नाम इस प्रकार है, खारोदधि, दक्षरसोदधि, शूरदधि, घृतिदधि, क्षीरीदधि, मंडदधि तथा शुद्गदकदधि। हे नारद, मनु के पुत्र राजा प्रियव्रत इन 7 द्वीपों को के एक छत्र सम्राट थे। प्रियव्रत ने अपने 7 पुत्रों को एक एक द्वीप का राज्य दिया था। राजा प्रियव्रत के 7 पुत्रों के नाम इस प्रकार है, अग्निग्ध, इन्वजीर्ण, मुख, बाहु, कनक करेता, धृतपृष्ठ, मेधातिथि तथा बीतिहोत्र। इतनी कथा सुनाकर सूर्य जी ने कहा, हे शोनकादि ऋषियों, यह वृत्तांत सुनकर नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, अपने सृष्टि का यह वर्णन बहुत संक्षेप में किया, अतः मेरी इच्छा है कि आप मुझे इसे विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जम्बूद्वीप का विस्तार नियोत योजन का है। यह कमल के फूल के समान गोल है। इसके भीतर 9 खंड तथा 8 पर्वत है जिनके नाम इस प्रकार है, भद्रा, भद्राक्षखंड, हरिवर्षखंड, किम्भुरुषखंड, धृतखंड, केतुमालखंड, हिरण्य
हिरणमय खंड, भरत खंड, कुरुश खंड तथा इलावर्त खंड। पर्वतों के नाम इस प्रकार है: गंधमादन, निषद, हेमकूट, हिमालय, माल्यवान, नीलगिरि, श्वेत तथा श्रृंगवान। इन नौ खंडों में जो खंड इलावर्त नामक है उसके मध्य में सुमेरु नामक एक स्वर्ण का पर्वत है। वह पर्वत अन्य सभी पर्वतों का राजा है तथा द्वीप के बीचों बीच सुशोभित है। इलावर्त खंड के चारों ओर अनेक पर्वत है। हे नारद, सुमेरु पर्वत को भी चारों ओर से चार पर्वत घेरे हुए हैं। उनके नाम इस प्रकार है: मंदर, मेरु, सुपर्श तथा कुमुद। इन पर्वतों पर क्रमानुसार चार वृक्ष है जिनके नाम इस प्रकार है: आमरोद, जामुन, कदम्ब तथा बरगद। यहाँ चार ही समुद्र है, वे इस प्रकार है: दधिका, सरहद का, ओक के रस का तथा शुद्ध जल का। यहाँ देवताओं के विहार करने के निमित्त चार वन हैं जिनके नाम इस प्रकार है: नंदन वन, क्षेत्ररथ, बेभ्रजक तथा सर्वतोभद्र। सुमेरु पर्वत के पूर्व की ओर हेमकूट तथा देवकूट नामक दो पर्वत हैं। दक्षिण की ओर कैलाश तथा करबीर नामक पर्वत है तथा उत्तर की ओर त्रिशृंग तथा मकर नामक पर्वत है। हे नारद, जम्मूद्वीप के इन नौ खंडों में भरतखंड कर्मक्षेत्र अर्थात शुभ कार्य करने के लिए सर्वोत्तम है, क्योंकि भरतखंड में किए हुए श्रेष्ठ कार्य उत्तम फल देने वाले होते हैं। इस कर्मभूमि में जो मनुष्य पाप पुण्य के जैसे कर्म करता है उसे वैसा ही फल भी प्राप्त होता है। इस खंड के क्रमानुसार चार युग बदलते हैं जबकि अन्य खंडों में सदैव त्रेता युग वर्तमान रहता है। श्री शिवपुराण की जय। नवा अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, कभी खंडों के निवासी भगवान सदाशिव की सेवा पूजा में संलग्न रहते हैं। मधुखंड में समस्त नागों के राजा शेषनाग अत्यंत प्रेम पूर्वक भगवान सदाशिव का पूजन किया करते हैं तथा इस प्रकार स्तुति करते हैं, हे प्रभु, आप मृत्युंजय हैं, जब आपकी जैसी कृपा होती है ऐसा ही स्वरूप धारण कर लिया करते हैं। आप ही संपूर्ण संसार को उत्पन्न करने वाले हैं, पालन करने वाले तथा नष्ट करने वाले हैं। आप सबके स्वामी हैं तथा सब लोग आपकी आज्ञानुसार कार्य किया करते हैं। हे नाथ, आप मुझे श्रेष्ठ ज्ञान दे तथा मेरे हृदय में अपनी भक्ति को निरंतर भरते रहे। हे नारद, इसी प्रकार भद्राक्षखंड में वहाँ के राजा हयग्रीव भगवान सदाशिव का सदैव पूजन किया करते हैं तथा शिव जी का मंत्र जपते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं। हे अशरण शरण परब्रह्म शंकर जी, आपके चरित्र विचित्र है। हे नाथ, आप मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रहे तथा मुझे अपना सेवक जानकर काम, क्रोध, मद, लोभ, माया आदि से दूर रखे। हे नारद, हरिवर्ष खंड में विष्णु के अवतार नृसिंह जी भगवान सदाशिव का पूजन तथा आराधना करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं। हे जगदीश्वर, भगवान सदाशिव अपने समान अन्य कोई देवता नहीं है। आप संपूर्ण संसार के स्वामी तथा सबको उत्पन्न करने वाले हैं। आपकी उत्पत्ति किसी के द्वारा नहीं हुई। इस प्रकार नृसिंह जी सर्वनाथ शिव जी का पूजन करते हुए उन्हीं के ध्यान में संलग्न रहते हैं। हे नारद, किम्भू रोष खंड में श्री रामचंद्र जी भगवान सदाशिव का पूजन करते हुए इस प्रकार प्रार्थना करते हैं। हे शंकर जी, आप भक्तों का दुख दूर करने वाले तथा सबके स्वामी हैं। आप अत्यंत दयालु तथा अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। आपकी कृपा से ही मैंने रावण तथा अहिरावण का संहार किया। यहाँ भी आपके चरणों का प्रताप है कि मैं सब लोगों का स्वामी बना हुआ हूँ। हे नारद, भरतखंड में नर नारायण भगवान सदाशिव का मंत्र जपते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं।
हे प्रभु, आप मौन वचन कर्म इंद्रियों तथा विचार से पड़े हैं। वेद भी आपकी महिमा का वर्णन करते हुए आश्चर्यचकित रह जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु संकादिक सभी आपकी सेवा में संलग्न रहते हैं। हे नारद, नरनारायण के समीप भगवान सदाशिव सदैव स्थित रहते हैं। उस स्थान का नाम संसार में केदार प्रसिद्ध है। जो मनुष्य केदार में पहुंचकर अपने शरीर को त्यागते हैं, उन्हें शीघ्र मुक्ति प्राप्त होती है। हे नारद, केतुमल खंड में कामदेव अपनी सेना सहित शिव जी का पूजन करते हुए इस प्रकार प्रार्थना करते हैं। हे स्वामी, आप दुष्टों को भय देने वाले तथा भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। आपने मुझे अपनी क्रोधाग्नि से जलाकर अत्यंत कृपा की थी। आप मेरे संपूर्ण पापों को नष्ट कर देने की कृपा करें, क्योंकि शरण में आए हुए प्राणी को आप उदारतापूर्वक क्षमा कर देते हैं। हे नारद, रंभ खंड में विष्णु जी शिव जी का पूजन करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं। हे प्रभु, आप संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। आपकी महिमा का वर्णन शेष जी से भी नहीं हो सकता। लक्ष्मी जी सदैव आपकी सेवा में संलग्न रहती हैं। आप मेरे ऊपर सदैव अपना अनुग्रह किए रहे। हे नारद, हिरणमय खंड में लक्ष्मीपति पितरों सहित भगवान सदाशिव की सेवा में संलग्न हो रह कर शिव मंत्रों का जप करते हैं तथा इस प्रकार स्तुति करते हैं। हे देवेश्वर, आप अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने वाले त्रिभुवनपति निर्विकार अनादि अनंत दीननाथ तथा शरणागत वत्सल हैं। हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप हम लोगों पर सदैव अपनी कृपा बनाए रहे। हे नारद, कुरुखंडों में बड़ा जी भगवान सदाशिव की पटखर मंत्रों का जाप करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं। हे गिरिजेश्वर, आप संपूर्ण ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। आप ही ने गज गंगा और श्रीकर नंदी विराट आदि को मुक्ति प्रदान की है। मैं आपकी शरण में हूँ। हे नारद, इस प्रकार सभी खंडों में भगवान सदाशिव का पूजन किया जाता है। यह जम्बूद्वीप की कथा परम पवित्र तथा संपूर्ण कष्टों को दूर करने वाली है। इसके पढ़ने सुनने तथा सुनाने से अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। श्री पुराण की जय। 10वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, जम्बूद्वीप का वृत्तांत मैंने तुम्हें सुनाया। इसी द्वीप के अंतर्गत 8 उपद्वीप भी है, उनके जिनके नाम इस प्रकार है: स्वर्णप्रस्थ, चंद्र, शुक्ल परिवर्तन, रमनक, मंदिरहरण, जन्न, सिंहल तथा लंब। इस जम्बूद्वीप के चारों ओर खारे जल का समुद्र है। हे नारद, जम्बूद्वीप के बाद प्लक्षद्वीप का स्थान है। उसका सम्राट सुजबी नामक एक बड़ा राजा हुआ। उसे उस राजा के 7 पुत्र थे, जिनके नाम इस प्रकार है: शिव, जवस, सुभद्र, विशांत, खेम, अमृत तथा अभय। उस राजा ने अपने इन 7 पुत्रों को द्वीप के 7 खंड करके बांट दिए। वे 7 खंड इन्हीं 7 लड़कों के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस द्वीप में 7 पर्वत हैं तथा 4 वर्ण के लोग रहते हैं, जिनके नाम इस प्रकार है: उद्धायन, परमहंस, पतंड तथा सत्तांड। मनुष्यों को इनके दर्शन भी देवताओं के दर्शन के समान अत्यंत कठिनता से प्राप्त होते हैं। ये सब सूर्यों का पूजन करते हैं तथा उन्हीं के मंत्रों को जपते हुए इस प्रकार प्रार्थना करते हैं: हे सूर्य देवता, आप भगवान सदाशिव के रूप हैं। आपका शरीर 3 गुणों से युक्त है। आप संपूर्ण रोगों को नष्ट करते हैं। हे नारद, इस प्रकार प्लक्षद्वीप के निवासी सूर्य नारायण के माध्यम से शिव जी का पूजन करते हैं। इस द्वीप के चारों ओर एक के रस का समुद्र है। हे नारद, आप तुम शालमुली द्वीप का हाल सुनो। प्लक्षद्वीप जम्मूद्वीप से 2 गुना बड़ा है तथा शालमुली द्वीप
का बिस्तर लक्ष द्वीप से दोगुना है। इस द्वीप को के चारों ओर सुरेद समुद्र है। पियव्रत का पुत्र यज्ञबाहु इस द्वीप का सम्राट था। उसके 7 पुत्र उत्पन्न हुए जिनके नाम इस प्रकार है: सुरजन, सोमस, रामनक, देवभद्र, भद्र, अपायन तथा अभिज्ञत। राजा यज्ञबाहु ने शाल्मली द्वीप के 7 खंड करके अपने सब पुत्रों में बांट दिए। वे द्वीपखंड उन्हीं बालकों के नाम पर प्रसिद्ध हुए। के नारद शाल्मली द्वीप के निवासी चंद्रमा का पूजन करते हैं और उन्हीं का मंत्र जपते हुए इस प्रकार प्रार्थना करते हैं: हे चंद्रमा, आप भगवान सदाशिव के कृपा पात्र हैं, अतः हम आपको शिव जी का ही स्वरूप समझते हैं। आप अपने शीतल स्वभाव से सबको शीतलता प्रदान करते हैं तथा सभी जड़ी बूटियों का निर्माण आपके ही द्वारा होता है। इस प्रकार आप अमृत के कुंड हैं। संसार का आरोग्य आप ही के ऊपर निर्भर है। आप हमारे ऊपर कृपा बनाए रहे। जो ये बनाते हैं कबीरा जी उस जो बोलते हैं, मैंने हम लोग तो होम्योपैथी खाते हैं, एलोपैथी खाते हैं और आयुर्वेदिक होता है। हे नारद, शाल्मली द्वीप के उपरांत कुछ द्वीप है। उस द्वीप को घृत का समुद्र चारों ओर से घिरे हुए है। राजा प्रियव्रत का पुत्र हिरण्य उस द्वीप का सम्राट हुआ। हिरण्य के 7 पुत्र हुए जिनके नाम इस प्रकार है: बसु, बसुदान, दृढ़रुचि, नामगुप, सत्यव्रत, विविक्त तथा वामदेव। इस द्वीप में भी 7 पर्वत हैं तथा 7 नदियां हैं। राजा हिरण्य ने इस द्वीप को 7 खंडों में विभाजित करके अपने पुत्रों को बांट दिया था। अतः यह सभी खंड उन्हीं राजपुत्रों के नाम पर प्रसिद्ध हुए। हे नारद, उस द्वीप के निवासी अग्नि को शिव जी का स्वरूप जानकर उनका पूजन, स्मरण एवं ध्यान करते हैं तथा इस प्रकार प्रार्थना करते हैं: हे अग्नि, आपके बिना संसार का कोई भी कार्य नहीं चल सकता। आप भगवान सदाशिव के रूप है, अतः आप हमारे ऊपर कृपा बनाए रहे। हे नारद, 5वां क्रोणद्वीप कुश द्वीप से विस्तार में दुगुना है। उसके चारों ओर दूध का समुद्र है। वहाँ क्रोच नामक एक पर्वत है जिस पर स्कंद जी विराजमान रहते हैं। उस द्वीप का सम्राट राजा प्रियव्रत का पुत्र धृतपृष्ठ हुआ। धृतपृष्ठ के 7 पुत्र उत्पन्न हुए। सबके 7 पुत्र होते थे पुत्रियों का है। पुत्रियों की बहुत कामना रहती थी पुत्रियों की जगह, तभी वो चली आ रही है अभी तक। हाँ, जब भी तक चली आ रही है पुत्रियों की जगह। वैसे भी इज्जत वो नहीं है जो लड़कों की होती है। हाँ, पहले जितनी होती थी वो चीज अब तो फर्क पड़ेगा। 7 पुत्र उत्पन्न हुए जिनके नाम इस प्रकार है: अनंत, बुद्ध, मेघ, पृष्ठ, राजिष्ट, लोहित तथा वनस्पति। इस द्वीप में भी 7 पर्वत तथा 7 नदियाँ हैं। राजा धृतपृष्ठ ने इस द्वीप को 7 खंडों में विभाजित करके अपने पुत्रों में बांट दिया। तब वे सभी खंड उन राजपुत्रों के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे नारद, क्रोचद्वीप के निवासी शिव जी को जल रूप समझकर जल मंत्रों द्वारा स्मरण करते हैं तथा प्रार्थना करते हुए इस प्रकार कहते हैं: हे जल रूप भगवान शंकर, आप सबको आनंद देने वाले तथा सबके प्राणों को स्थिर रखने वाले हैं। आपके द्वारा ही सबको तृप्ति प्राप्त होती है। हे नारद, क्रोचद्वीप के बाद 6ठा शाक द्वीप है। इस द्वीप का विस्तार अभी तो ये पृथ्वी लोग के ही कर रहे हैं, 33 लाख योजन का है। इस चारों ओर से दही का समुद्र, दूध का समुद्र हो गया, अभी दही का, अब दही का समुद्र है। दही का समुद्र घिरे हुए है। कलयुग में बंद कर दी, कलयुग के लोग तो भयानक हैं, वो तो कब्जा कर करके बैठे हैं। इसे चारों ओर से दही का समुद्र घिरे हुए है। इस द्वीप में शाक नामक एक वृक्ष है जो अपनी सुगंधि द्वारा संपूर्ण द्वीप को सुगंधित किए रहते हैं। राजा प्रियव्रत का पुत्र मेधातिथि इस द्वीप का सम्राट हुआ।
मेधा तिथि के साथ पुत्र उत्पन्न हुए जिनके नाम इस प्रकार है पूरोज मनोज पपमन धूम्रानी चित्रलोक बहुलोक तथा विश्वाधार। इस द्वीप में भी सात पर्वत तथा सात नदियां हैं। मेधा तिथि ने इस द्वीप के सात खंड करके अपने पुत्रों में बांट दिए, तब वे खंड उन्हीं राजपुत्रों के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे नारद, शाकद्वीप ने शाकद्वीप के निवासी भगवान सदाशिव को वायुरूप जानकर वायु मंत्र द्वारा उनका पूजन स्मरण तथा ध्यान किया करते हैं। वे सब स्तुति करते हुए इस प्रकार कहते हैं, हे वायुरूप भगवान सदाशिव, 10 प्रकार के शरीर कहे गए हैं, परंतु वे सब आपके बिना निर्जीव हैं। आप तीनों लोकों में लोगों के भीतर बाहर आते जाते रहने पर भी सदैव निष्पाप तथा निर्मल बने रहते हैं। तीनों लोकों के सभी जीव आपके आश्रित हैं तथा सभी प्राणी आपके वश में रहते हैं। आपकी सहायता तथा शक्ति पाकर ही योगीजन ब्रह्मपद को प्राप्त करते हैं। हम सब आपके शरण में हैं। हे नारद, शाकद्वीप के पश्चात सातवां पुष्कर द्वीप है। उसका विस्तार शाकद्वीप से दोगुना है। उसके चारों ओर मीठे जल का समुद्र घिरा हुआ है। इस द्वीप में पुष्कर नामक तीन पत्ती के आकार का एक कमल पुष्प है। इस द्वीप में केवल एक ही पर्वत है जिसे मानसोत्तर कहा जाता है। राजा प्रियव्रत के पुत्र बीतिहोत्र इस द्वीप के सम्राट हुए। बीतिहोत्र के रामनक तथा हातिक नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए। अभी आएंगे तब बीतिहोत्र ने पुष्कर द्वीप के दो खंड करके अपने दोनों पुत्रों में बांट दिए। वे दोनों खंड उन्हीं राजपुत्रों के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे नारद, पुष्कर द्वीप के सभी निवासी केवल कर्म हो ही भगवान सदाशिव का स्वरूप समझते हैं तथा स्तुति करते हुए इस प्रकार कहते हैं, हे कर्मरूप परब्रह्म, हम आपको प्रणाम करते हैं। आपके अधीन देवता मुनि आदि सभी प्राणी हैं। आपके द्वारा ही तीनों लोकों के सभी प्राणियों को सुख दुख की प्राप्ति होती है। अतः हे कर्मरूप भगवान सदाशिव, हम आपको दंडवत करते हैं। आप सदैव हमारे ऊपर अनुग्रह बनाए रहे। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इन सातों द्वीपों के ऊपर लोकालोक है। वह बहुत ऊंचा तथा विशाल है। उसे ग्रह नक्षत्र सूर्य तथा ध्रुव भी नहीं लाद सकते। उसका विस्तार 50 करोड़ योजन का है। वहाँ सूर्यभाग नामक एक पर्वत है और उसके चारों ओर मेरे द्वारा स्थापित किए हुए दिग्गज स्थित है। उनके नाम इस प्रकार है, अपराजित, वामन, गतपर्व, पुष्कर, शंखचूर तथा ऋषि। उस स्थान पर भगवान विष्णु जी अपने भक्तों सहित निवास करते हुए संपूर्ण संसार का पालन करते हैं। लोकालोक के आगे जो योगीजनों के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति नहीं पहुँच सकता। मनुष्यों की दृष्टि में वह स्थान दिखाई नहीं देता, अतः उनका वहाँ पहुँचना असंभव है। हे नारद, भूलोक का वर्णन मैंने तुमसे किया। ये भूलोक की जय। राज की जय। समाप्त होते हैं।